इंग्लैंड दौरे पर आगामी सीमित ओवर सीरीज के लिए रोहित शर्मा के कप्तान रहने की पुष्टि हो गई है। वह आयरलैंड में दो T20 मैच के लिए कप्तानी करने वाले हार्दिक पांड्या से कप्तानी लेंगे। कोविड की वजह से रोहित एजबेस्टन टेस्ट नहीं खेल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूरी तरह से ठीक होने का समय मिलेगा और वह 7 जुलाई से साउथहैम्पटन में होने वाले पहले T20 पहले टीम के साथ जुड़ेंगे। अगर वह टेस्ट के लिए उपलब्ध होते हैं तो पहले T20 मैच उनकी भागीदारी में उन्हें ज़्यादा आराम नहीं मिल पाता। 5वें टेस्ट के अंतिम दिन में उन्हें 48 घंटे से भी कम समय मिलता। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा सभी 1 जुलाई से 5वें टेस्ट में खेलेंगे, जिसकी वजह से ये सभी दूसरे और तीसरे T20 में भी खेल पाएंगे। इसका मतलब है कि टीम में ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, वेंकटेश अय्यर, अनकैप्ट राहुल त्रिपाठी और अर्शदीप सिंह की जगह नहीं बनेगी, पहले T20 में टीम का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर में होने वाले T20 विश्व कप की टीम बनाने में जुटे भारतीय चयनकर्ताओं ने T20 टीम में मोहम्मद शमी को नहीं चुना। शमी ने IPL 2022 में चैंपियन बनी गुजरात टाइटंस के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। उन्होंने सभी मैचों में भाग लिया और 8 की इकोनॉमी और 24.40 की औसत से 20 विकेट निकाले। रोहित शर्मा के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।